दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए कुलपति ने राम की पैड़ी पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया पूजन स्थल। जी हाँ, अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने दीपोत्सव 2022 को ऐतिहासिक बनाने के लिए शुक्रवार को दोपहर 3 बजे राम की पैड़ी पर मुख्य यजमान के रूप में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। इस पूजन में अयोध्या के महंत कमल नयन दास, मिथिलेश नंदिनी शरण दास, महंत राजकुमार दास, महंत राजूदास, मिथिलेश रमण सिंह और एमबी दास, दीपोत्सव नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, उप नोडल अधिकारी डॉक्टर संग्राम सिंह, कुल सचिव उमानाथ शामिल रहे। वैदिक मंत्रोच्चार में वरिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ के बटकों द्वारा मंत्रोच्चारण में सामूहिक रूप से किया गया। इसके उपरांत सरयू जलाभिषेक के साथ सफल आयोजन की कामना के लिए हवन यज्ञ भी किया गया। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने बताया कि इस बार दीपोत्सव में 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए महाविद्यालयों और स्वयंसेवी संस्थाओं से 18,000 से अधिक वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं। निश्चित ही सभी के सहयोग से 5वीं बार दीपोत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जाएगा। वहीं कुलपति ने बताया कि दीपोत्सव में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की सत्प्रेरणा से आम जनमानस को जोड़ने के लिए भागीता और जन सहयोग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लोगों से तेल, दिए, बाती, मोमबत्ती का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। इस अभियान में आम जनमानस का दीपोत्सव में भावनात्मक जुड़ाव भी होगा। वहीं कुलपति ने बताया कि अयोध्या का प्रांतीय दीपोत्सव पूरी दुनिया में सांस्कृतिक छटा बिखेर रहा है। इस आयोजन को लेकर भारतीय जनमानस सहित विश्व भर के लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षारत है। विश्वविद्यालय प्रशासन दीपोत्सव को लेकर अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। वहीं कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि प्रभु श्री राम सभी आम जनमानस के हृदय में बसते हैं, जिनका नाम लेने से कष्टों का निवारण होता है। दीपोत्सव के वॉलंटियर्स और पदाधिकारी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विश्व पटल स्थापित करेंगे। वहीं दीपोत्सव नोडल अधिकारी व सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि दीपोत्सव को भव्य बनाए जाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन व जिला प्रशासन के समन्वय की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। घाटों को चिन्हीकरण करके कार्य समापन हो चुका है। 21 अक्टूबर से आवासीय परिसर में वॉलंटियर्स सभी घाटों पर दिए बिछाने का कार्य शुरू कर देंगे। देखिए, आज दीपोत्सव का भूमि पूजन हुआ है। आज औपचारिक रूप से पूजन करके हमने शुरुआत करी है। ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारा दीपोत्सव अद्वितीय हो, अप्रतिम हो, अविश्वसनीय हो और सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करे, जिसमें जन भागीदारी भी बनी रहे, जनता की भावनाएं भी सम्मिलित रहें। ये सारी बातों के लिए आज हमने प्रार्थना किया है परमपिता से, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सबके सहयोग से, उत्तर प्रदेश शासन से, पर्यटन विभाग से, विश्वविद्यालय से, जिला प्रशासन से, सबके सहयोग से और आम जनमानस से, सबके सहयोग से, सबके इस बार दीपोत्सव में 15 लाख दीवे जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए करीब 18 से 20 हज़ार जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कार्य करेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस बार के दीपोत्सव में विशेष यही है कि इस बार दीयों की संख्या 15 लाख है, घाटों की संख्या भी बढ़ गई है, वॉलंटियर्स भी बढ़े हुए हैं और इस बार हम जन सहयोग भी प्राप्त कर पा रहे हैं। तेल के रूप में, दिए के रूप में, बाती के रूप में जनता से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये विशेषता है इस वर्ष की। जो मैं आम जनता, जो सारा जनमानस है हमारा, सारे जनमानस से मेरा बस यही प्रार्थना है कि आप सब मिल करके हमारे साथ प्रार्थना करें कि ये दीपोत्सव अद्वितीय हो। दूसरा, अनुशासन बनाए रखें ताकि हम दीपोत्सव को पूरी देश दुनिया तक, ये अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, पूरी देश दुनिया में एक दीपोत्सव का मैसेज हम पहुंचा सकें, उनका सहयोग हम इसी रूप में चाहते हैं। हम लोगों को हिंदू लाजी में शुभ के लिए किया जाता है। जब भी बड़ा शुभ कार्य होना होता है तो हम लोग हवन यज्ञ के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे काम में सफलता दें, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है तो सफल होना ही है। और यज्ञ भी आप देख ही रहे कितना बढ़िया। अयोध्या के कोई साधु संत बचा नहीं जो यहाँ ना उपस्थित हुआ। अब दीपोत्सव को लेकर के सारी हमारी तैयारी है और 20 तारीख से हम एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ के लिए और 21 तारीख से दिए बिछने शुरू हुए। आज माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, अयोध्या के पूर्व धर्माचार्य के नेतृत्व में आज माँ सरजू के तट पर दीप मालिका के लिए, दीप महोत्सव के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। पूरे देश में सुख शांति समृद्धि बढ़े
इसके नाते आज से शुरुआत हो गई है और पूजन करके आज से शुभारंभ हो गया है। पूरे देश के लिए मंगल कामना और पूरे देश में अमन शांति पैदा हो, इसके नाते विधिवत पूजन करके दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। राम की नगरी सरयू नगर विकास कॉलोनी में बाढ़ के पानी से घरों से निकलना हुआ मुश्किल। अयोध्या में राम की नगरी के बंधा तिराह रामघाट हाल्ट हाईवे के पास ही सरयू नगर विकास कॉलोनी में बीते दो दिनों से सरयू नदी का पानी कॉलोनी में आने से पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई। वहीं कॉलोनी वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी के घरों में पानी भर जाने की वजह से घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वहीं जिला प्रशासन नाव से खाने पीने की व्यवस्था में लगी हुई है। बाढ़ पीड़ितों से बात की गई तो लोगों ने कहा कि पानी भर जाने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तहसील प्रशासन पूरी तरह मदद कर रहे हैं। वहीं लेखपाल दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी लोगों को दोनों समय खाना दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक नाव लगाई गई है, शाम तक दो नाव की व्यवस्था और कर दी जाएगी। आइए जानते हैं सुबोध श्रीवास्तव साकेत न्यूज के साथ खास बातचीत, पीड़ित अवधेश कुमार सिंह ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नगरी अयोध्या स्थित मैं सरनगर विकास कॉलोनी में हूँ और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर ये बंधा तिराहा है और रामघाट हाल्ट है नजदीक में और विगत भारी बरसात होने से विगत दिनों में भारी बरसात हुई है, इसको लेकर आप देख रहे होंगे पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई है और यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है जिससे इस कॉलोनियों को जो है कॉलोनीवासियों को जो है निजात मिल सके। यानी यहाँ पर जो मकान बने हैं और ये सरयू नगर विकास समिति है और यहाँ जो क्षेत्र बना है यहाँ पर लगभग 50 मकान होंगे और सभी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ऐसे में यहाँ पर अवधेश सिंह है और सरयू नगर विकास समिति के अध्यक्ष हैं और मैं इसे बात करना चाहता हूँ, ये पानी अवधेश सिंह कब आया है? ये पानी परसों रात से आया। लेखपाल साहब जो हमारे यहाँ के लेखपाल हैं मिश्रा जी, वो बराबर संपर्क में बने हुए हैं और तीन दिन से बराबर संपर्क बने हुए हैं। कल परसों रात से पानी आना प्रारंभ हुआ है। कल जी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, कार्यक्रम के बाद में मतलब लेखपाल साहब कानको साहब सब आए और आए रात में आए, उन्होंने जो व्यवस्थाएं होनी थी नाव के। अच्छा एक बात ही बताइए, जिस तरह से ये आप बता रहे हैं कल रात में पानी आया हुआ है, तो ये पानी आने की वजह क्या, कैसे ये किस रास्ते से पानी आया? ये कल नहीं, ये परसों रात से पानी शुरू हुआ लेकिन कल भीषण मतलब रूप से आया है। ये यहाँ जो मतलब कटा है बलराम यादव है उनके मकान के पास से जो है जो कटा हुआ है उसी के रास्ते से पानी सरजू से आया है। अच्छा ये जो शासन प्रधान द्वारा यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं क्या की गई है जिससे जल भराव हो गया है तो लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया? देखिए शासन प्रशासन की हम बात नहीं कर रहे हैं, एसडीएम साहब ने सवेरे आज उनसे फोन पर बात हुई है, उन्होंने कहा आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। लेखपाल साहब कानको साहब परमानेंट लगे हुए हैं, एक नाव भी लगी है लेकिन एक नाव से काम नहीं चल यहाँ चलने वाला है। अच्छा ऐसा कभी ये जैसे अगर ये जो भारी बरसात हुई है तो क्या ऐसे में कभी और भी पानी कभी आया होगा यहाँ पर? ये 2017 में पानी आया था इसका, 5 साल बाद मतलब इतनी भीषण बाढ़ आई है। तो यहाँ पर जो आपको बता दें जिस तरह से भारी बरसात तो हुई है और प्रदेश की बात करेंगे, प्रदेश के तमाम ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, तमाम गांव डूब गए हैं और ऐसे में अयोध्या राम की नगरी है और यहां पर भी जो जलभराव देख रहे हैं और ऐसे में कितनी कठिनाइयों सामना करना पड़ रहा है, आइए लोगों से बात करते हैं क्या मामला है ये पूरा। यहां पे पानी भरा हुआ परसों ही रात से पानी भर गया पूरा। तो कैसे आप लोगों को यहाँ पर ये काम चल रहा है? काम चल रहा है, पैदल घूम घूम के आते हैं पूरा काम। आप बताइए, अरे बूढ़ बूढ़ आ रहे हैं सर, इसमें क्या करें, कब से ले रहे हो यहाँ पर? आज 3 दिन से। आप बताओ क्या हो? पानी भरा हुआ है, हम तो हमारी कार भी डूब गई। अच्छा कैसे आप लोग अपने घरों से निकल रहे हो, कैसे खाना पीना चल रहा है? क्या हमारा घर तो उधर पड़ता है थोड़ा। चलिए देखिए हम बता दें आपको, अगर आपके पास कार है तब तो आप अपने घर से निकल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं निकल सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो प्रधान है, अरे प्रधान नहीं यहाँ पर जो लेखपाल जी हैं, हम उनसे बात करें क्या आप बताइए प्रधान जी यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं एसडीएम द्वारा कराया गया है और सरकारी अधिकारी यहाँ पर क्या करना चाहिए? लगवा दी गई है और उनको दोनों टाइम जो है लंच करके बटवाया जा रहा है। अच्छा पानी निकलने का ये जो नाव की और व्यवस्था करा दी जाती है क्योंकि एक नाव सफिशियंट नहीं है, एक नाव तो कब तक ये व्यवस्थाएं हो जाएगी? अभी हो जाएगी, बोल दिया गया है नाली। क्या परिचय है आपका? दिनेश कुमार मिश्रा लेखपाल हैं और मौके पे यहाँ पर मौजूद हैं।
इन्होंने बताया प्रशासन द्वारा यहाँ पर एक नाव की व्यवस्था की गई है और एक नाव जो है पर्याप्त नहीं है, लेकिन अभी बता रहे हैं शाम तक एक दो नाव और आ जाएगी और ऐसे में पानी निकासी का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। अब देखने बाकी शासन प्रशासन किस तरह से इस जल से निजात या लू दिलाता है। मैं साकेत न्यूज से सुबोध श्रीवास्तव अयोध्या। ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल ट्रस्ट द्वारा फूल के पौधे साईं मंदिर परिसर में लगाए गए। अयोध्या में राम की नगरी से 7 किलोमीटर दूरी पर GGIC के सामने स्थित साईं बाबा मंदिर के परिसर में ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष सिंह, वन विभाग के SDO मुख्य अतिथि के N सुधीर, वरिष्ठ पत्रकार सुबोध श्रीवास्तव द्वारा फूलदार पौधों का रोपण किया गया। अध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि आज हम सभी ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल ट्रस्ट द्वारा फूलदार पौधों को लगाया गया है। मेरे ट्रस्ट का उद्देश्य अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर पलक सिंह, मुस्कान, अखिलेश शर्मा, CB सोनकर, पन्ना लाल, मंदिर के पुजारी ऋषि संजय श्रीवास्तव, S प्रकाश सिंह, निशांत ऋषि के साथ दर्जनों की संख्या में ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल ट्रस्ट के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल ट्रस्ट से प्लांटेशन विभिन्न मंदिरों पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का हम प्लांटेशन करते आए हैं। हमारा मेन मोटो है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाना। हर जगह आजकल इतनी गर्मी, इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने का हमारा मुहिम है और उसके अंतर्गत आज हम लोग साईं मंदिर पर जो है साईं बाबा मंदिर पर प्लांटेशन किए हैं और यहाँ पर फूल के पौधे लगाए हैं, जिसका अभिप्राय ये है कि पौधे बड़े होंगे, फूल होंगे, वो फूल बाबा को चढ़ेगा चरणों पर। प्लांटेशन का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा हरा भरा बनाना पर्यावरण को, और ग्लोबली हम लोग इसके लिए मुहिम में जुटे हुए हैं। हमारी संस्था ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल ट्रस्ट 8 राज्यों में अपना काम कर रही है और लोगों को जागरूक करने का और पर्यावरण को नियंत्रित करने की दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली बनाने का प्रयास है। मैसेज ये देना चाहते हैं कि सब लोग कम से कम एक पौधे जरूर लगाएं और उसका संरक्षण करें। क्या नाम है? सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल ट्रस्ट के।